हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। जी जी, अब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए हैं, अब बाकी सब जानते ही हो, इन दिनों काफी विवाद चल रहा है पवन जी और अक्षरा जी को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पवन जी, अक्षरा जी को मैं तो सबसे पहले दोनों लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा, ये हमारे सीनियर हैं और मैं इनको मन पे क्या टीका टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन एक भोजपुरी के हित की बात करना चाहूंगा कि इन दोनों लोगों को क्या गिला शिकवा है मैं तो नहीं जानता, मेरा बोलने कोई राइट नहीं है। एक तो पहली बात, मैं नया हूं, मेरा कोई राइट नहीं है बोलने का, लेकिन मैं इतना एक भोजपुरी परिवार की तरफ से बोलना चाहूंगा कि अगर पवन जी ने कुछ बोला है या अक्षरा जी ने कुछ गिल्टी फील किया है या कुछ बोला है, आपस में कुछ झगड़े हैं, ये लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं और कभी फ्रेंड दुश्मन नहीं होता। मैं तो एक ही जानता हूँ जिसके नाम के आगे एक बार दोस्त लिख दिया गया, कभी दुश्मन हो ही नहीं सकता है। मनमुटाव हो सकता है, ठीक है, और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना होता है और मनभेद रखना भी नहीं चाहिए। मतभेद हुए हैं, अलग अलग मत है अलग, लेकिन मन का भेद है और नहीं है दोस्त, अगर दोस्त बोला है तो मनभेद नहीं होना चाहिए और दोस्ती अगर है तो आज नहीं तो कल एक होंगे, और इसमें मेरे बोलने का कोई राइट नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन दोनों स्टार से जो हमारे भोजपुरी परिवार को, इस भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, त्याग दिया है और त्याग करके इस मुकाम पहुंचाया, उसमें से एक हिस्सा है अक्षरा जी भी और पवन जी भी। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में बैठ के इस बात को सुलटा लें और आपस ख़त्म करें सब चीज़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ा होता है, करियर भी बहुत मायने रखता है, करियर और लाइफ के साथ जुड़ी चीज़ें ये सब चलता हुआ है, मन मुटाव है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, और मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस इंडस्ट्री के महारथी कहे जाते हैं, कैमरे पे आते हैं बोलते हैं, मैं सभी लोग बोलते हैं भीष्म पितामह हैं, महारथी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन अच्छे लोगों में से जो भोजपुरी के अच्छे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इंडस्ट्री को पारिवारिक बनाया गया है, परिवार को बना के रखना चाहते हैं, तो मेरी तो पहुँच नहीं है वहाँ तक कि मैं उन लोगों को बैठा के बात करा पाऊँ। अगर मैं इन दोनों लोगों को टच में रहता और इन दोनों से के लायक होता कि मैं तो बैठा करके मैं हाथ जोड़ता, निवेदन करता कि आप लोग की गलतियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ और इस परिवार को, इंडस्ट्री परिवार को एक जैसा बना के चलिए और इसको बैठा करके शॉर्ट आउट करिए। बड़े बड़े झगड़े, बड़े बड़े लड़ाई, बड़े बड़े लोग शॉर्ट आउट हुए हैं और मैं सभी बड़े दिग्गजों से रिक्वेस्ट करूंगा भोजपुरी के, जो इस बैठ करके जो अगर आप लोगों में दिमाग में और थोड़ा सा भी दिल में जगह इस भोजपुरी परिवार के लिए है, तो इस बैठ को बैठा करके इसको सलटा करके ख़त्म करिए, मामला को शांत करिए और आगे बढ़े, अच्छे से फिल्में बनाइए, अच्छे इंडस्ट्री को डेवलप करिए, जैसे आप लोगों ने एक बहुत मेहनत से सींच के खून पसीनों से आगे बढ़ाया है, वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने में सहयोग करिए और जिसमें हमारी जहाँ पे ज़रूरत है, अगर किसी को लगता है विनोद यादव के से भोजपुरी के लिए हित की अच्छी चीज़ हो सकती है, तो आई विल ऑलवेज विथ एग्री 24 आवर, मैं 24 घंटे आपके साथ में हूँ और मुझे कभी भी आप लोग कभी भी किसी मौके पर खड़ा करके बुला सकते हैं, मैं आपके साथ में रहूँगा, लेकिन सिर्फ भोजपुरी के हित के लिए, ना कि पर्सनल हित के लिए किसी के लिए। जी एक अभी मामला सामने आया है, अंतरा सिंह प्रियंका, जिन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं, उनके एक गाने को लेकर विवाद मचा हुआ है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए हाँ, अगर गाने को लेकर विवाद मचा, मैं देखा यूट्यूब पे अभी किसी ने FIR कराया, कोई वो बिहार के पप्पू यादव पॉलिटिकल नेता है, एक सम्मानित नेता है, अगर किसी को हर्ट होगा किसी चीज़ को लेकर के होगा तो FIR दर्ज होती है। तो देखिए, मैं अगर एक एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मेरे आर्टिस्ट पर कोई छवि पे दाग ना लगे, लेकिन अगर गलत किया, गाया है, गलत किया है, किसी को ठेस पहुँचा, तो उसका FIR कराना, मुकदमा करना और उसका राइट बनता है, लेकिन उस पर उसके बारे में एक बार भी उससे बात भी करना बनता है और आपस में को अगर कहीं गलत है तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है, और अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत का गलत होगा, सही का सही होगा, लेकिन मैं दोनों लोग से रिक्वेस्ट है भी बार फिर बोलूँगा कि इंडस्ट्री के लिए वो गाया है उन्होंने और इंडस्ट्री को आप प्यार करते हैं, तो कहीं उनको ठेस पहुँचा है, जिसकी गलती है उसको अपने आप को एक्सेप्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं, उस चीज़ को विवादित ना करें और भोजपुरी को डेवलप करें, मैं दोनों लोग से यही एक निवेदन करूँगा, बाकी उसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। अपनी फिल्म के लिए दर्शकों से क्या कहना? मैं अपनी भोजपुरी फिल्म गुंडा जो हमारी 6 सितंबर को आ रही है, मैं सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस विनोद यादव को पहला प्यार दें, अब पहली फिल्म की मेरी पहली डेब्यू किया हूँ और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, पारिवारिक पिक्चर बनी है जो सभी के बीच, दर्शकों के बीच में आएगी और जल्द आएगी, 6 सितंबर को आ रही है, उत्तर प्रदेश रिलीज हो रही है, आप सभी अपने नज़दीकी सिनेमाघर में गुंडा को देखिए और इस विनोद यादव को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं फिर दोबारा आपके सामने जल्द से जल्द आऊँ। बकरीद की शुभकामनाएं। मैं सभी दर्शकों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सभी भोजपुरी देखने वाले सभी मुस्लिम परिवार को बकरीद पे, सभी को, सभी परिवार को इस भोजपुरी परिवार की तरफ से, गुंडा फिल्म की तरफ, टीम की तरफ से, विनोद यादव की तरफ से बकरीद की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.